नमस्कार दोस्तों, आज आप सभी का चिया कुकिंग में स्वागत है। तो सबसे पहले आज मैं आपके सामने कुछ स्वीट डिश बनाना सिखाऊंगी, जो कि हम सभी फेस्टिवल में और जब कभी कोई गेस्ट अचानक हमारे घर आ जाए और हमारे घर कुछ मीठा ना हो तो हम कुछ बना के उनको खिला सके, ऐसी डिश जो हम 2 मिनट में तैयार करें। मैं सूजी का हलवा आपके सामने बनाना दिखाऊंगी। तो उसके लिए सामग्री के लिए हमें चाहिए 1 कटोरी घी, 1 कटोरी सूजी, 1 कटोरी चीनी, थोड़ा सा नारियल, थोड़े से केसर और कटा हुआ बादाम। तो सबसे पहले मैंने ली है एक बड़ी कढ़ाई। कढ़ाई भी ऐसी लेनी चाहिए जो थोड़ी नीचे से मोटी हो, जिसमें हलवा जले नहीं। तो हमने इसमें सबसे पहले जो 1 कटोरी बाउल लिया है घी का, वो हम सबसे पहले इस कढ़ाई में डालेंगे। तो हमने 1 कटोरी बाउल, 1 कटोरी घी इसमें डाल दिया है। तो सबसे पहले हमने ली है 1 कटोरी घी। हम 1 कटोरी घी का गर्म होने का वेट करेंगे। जब ये अच्छी तरह गर्म हो जाए घी, तो इसके अंदर हमने जो बारीक सूजी ली है इसको हम एक इसमें डाल देंगे। तो इसके लिए पहले हमें गैस थोड़ा सा सिम करना होगा, फिर हमें अपनी सूजी इस घी के अंदर, अभी घी गर्म हो चुका है तो हम इसके अंदर अपनी सूजी डाल देंगे। इसको फिर हम सिम पे धीरे धीरे, सिम गैस करके धीरे धीरे हम इस घी पे, घी में सूजी को धीरे 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 पकाएंगे। याद रहे, सूजी जब तक ब्राउन ना हो जाए तब तक हम इसको धीरे धीरे घी में हिलाते रहेंगे। ये देखिए दोस्तों, अब हमारी सूजी हल्की हल्की ब्राउन होनी शुरू हो गई है और मैं इसको धीरे धीरे गैस पे चला रही हूँ। याद रहे, सूजी ज़्यादा ब्लैक ना हो। ये हमारी सूजी धीरे धीरे इसका रंग आना शुरू हो गया है। तो अब ये हमारी सूजी धीरे धीरे रंग बदलना शुरू हो गया है। सूजी जैसे ही ब्राउन होगी उसमें हम जो हमने 1 कटोरी ये शुगर लिया है इसमें हम इसमें डाल देंगे। इससे इतना अच्छा टेस्ट आएगा आपका हलवे का, आप जरूर इस रेसिपी को ट्राई करना। ये देखिए दोस्तों, अब हमारी सूजी ब्राउन हो गई है, गोल्डन गोल्डन कलर आ गया है इसमें। इसके अंदर हम अब जो बाउल हमने चीनी का लिया था ये हम डाल देंगे। फिर इसको अच्छी तरह हम कढ़ाई में घुमा लेंगे। इसके बाद थोड़ा सा चीनी मिक्स होने का वेट करेंगे। इसके बाद हम क्या करेंगे, जो हम 1 गिलास पानी लेंगे, 1 गिलास पानी मैंने पूरा मेजर कर लिया है। अब इसके बाद हम इसको कढ़ाई में डाल देंगे गैस सिम करके धीरे धीरे, क्योंकि इससे छींटे भी आ सकते हैं। ये देखिए, मैंने इसमें 1 गिलास पानी डाल दिया है। अब हम इसको, जब तक हमारी सूजी फूल ना जाए, घी ना छोड़ दे, तब तक हम इस हलवे को हिलाते रहेंगे धीरे धीरे। ये देखिए दोस्तों, अब हमारा हलवा धीरे धीरे घी छोड़ता जा रहा है।
और ये रेडी हो गया है ऑलमोस्ट। 2 मिनट और, इसके बाद हम हलवे को डेकोरेट करेंगे अपने बादाम, केसर और नारियल से। अब ये हमारा हलवा ऑलमोस्ट रेडी है। देखिए ये कहीं से चिपक भी नहीं रहा, ना कहीं से लग रहा है, बिल्कुल स्मूथ। खाने के बाद जो मज़ा आएगा वो अलग। आप एक बार इसको अपने घर में रेसिपी ट्राई ज़रूर करना। और हाँ, शुगर अपने अकॉर्डिंग डालना, बिकॉज हम ज़्यादा शुगर खाते हैं, इसलिए मैंने 1 कटोरी शुगर लिया है। जितना हमने सूजी लिया उतना ही शुगर लिया है। तो अब ये मेरा हलवा ऑलमोस्ट रेडी है। आप ये देखिए कितना स्वाद दिखने में ही लग रहा है। ये देखिए, अब ये हमारा हलवा रेडी है। इसने घी छोड़ दिया है साइड में, देखिए घी अलग छोड़ चुका है। तो इसके बाद हम गैस को बंद कर देते हैं, स्विच ऑफ कर। गैस हमारी बंद हो चुकी है। अब हम हलवे को डेकोरेट करने के लिए इसमें जो हमने आपके सामने नारियल लिया था एक बाउल में, उस नारियल को डालेंगे। ये देखिए, ये हमने नारियल डाला। उसके ऊपर हम बादाम, जो सभी घरों में इजली मिलता है, ये हमने बादाम से इसको डेकोरेट कर दिया है। और हमने केसर, थोड़ा सा केसर डाला, जिससे कि इसका कलर अलग ही खिल के आए। आप देख सकते हैं कि हमारा हलवा बिल्कुल रेडी टू ईट है। हम इसको मज़े लेके खा सकते हैं। आप मेरे चैनल को, अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। धन्यवाद।